नाम क्या है इसका? सूरज कुमार नाम है साहब। ये कब से गायब है? दिवाली की रात से गायब है। 8 बजे रात को ये निकला घर से, रूम से, भाई से बोला कि मैं आ रहा हूँ अभी। भाई खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते भाई ने देखा कि अभी तक मेरा भाई नहीं आया। आया फिर चारों तरफ ढूंढा, कहीं मेरा भाई नहीं मिला। नहीं मिला तो सुबह हम फोन किए कि नहीं भाई मिला है, तो पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास वो सब रिपोर्ट दिया है मेरा। आपने रिपोर्ट लिखाई थी? हाँ साहब। गया किसके साथ था, कुछ आइडिया है आपके पास? ये मेरा ये भतीजा, ये दोनों सिर्फ पुलिस के पास गए थे साहब, ये और ये दोनों आदमी। हम वहीं से बोले कि कोई मदद नहीं कर रहा है, पुलिस करेगी ना, पुलिस के पास जाइए। मैं अपने लड़कों को भेजा है कि पुलिस के पास जाइए, और मैं खुद आ रहा हूँ साहब आज सुबह। पुलिस ने क्या बोला बता दो? पुलिस की पुलिस वाला बोल रहा था इधर जाओ उधर जाओ, परेशान हो गया। बहुत से थाने 39 में गए, 47 में गए, थाने गए थे, कोई थाने नहीं गया। वो बोल रहे थे कि जाओ, लेट हो गया भाई हमारा भाई ने कहना होता है कि लगातार पुलिस बाटल वाला संख्या ओकनी के नाम मदद कर प्रशासन के नाम पे तो कोई मदद कर सकता है? ये लड़का को इधर उधर दौड़ा रहे। बॉडी आपको कब दिखाई दी? अभी दिखाई दी साहब, अभी हम लोग अभी सुबह हम 5 बजे ट्रेन से उतरे साहब। ट्रेन से उतरे तो हम रूम पर 6 बजे चौंक गए। मकान मालिक को फोन किए कि साहब हमको मदद चाहिए। मकान मालिक बोले कि नहा धोकर पूजा पाठ करके आ रहा हूँ। तब तक हमको एक बेचने वाला आदमी कुछ लिया था, एक बाड़ी है वहाँ पे। हम लोग मैं सब सारे परिवार दौड़ते दौड़ते आए साहब, देखे तो बाड़ी।